हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा कि आपको कुछ आउटडोर वीडियो शॉट्स मैं दिखाऊं। ये आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाइकाटो यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड की आई थिंक टॉप 200 के अंदर आती है, और ये इसका पूरा ग्राउंड है। तो मैं करीब से भी थोड़ा सा शॉट आपको लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ न्यूजीलैंड के अंदर इस तरह की बहुत सारी स्पेसेस हैं, ग्राउंड्स हैं बच्चों के फैमिलीज़ के लिए। आप यहाँ वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और पीसफुल माहौल है, सबके लिए आज़ादी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो लोग मूव होना चाहते हैं, और ये पीस ऑफ माइंड जो है हासिल करना चाहते हैं, और सबका राइट भी है। जैसे मैंने कि अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि मैं सेटलमेंट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, तो कुछ मैं शेयर करता जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे जो लोग आते हैं तो उनके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो जो स्पेशली जो फैमिलीज वाले हैं कि भाई एजुकेशन का क्या है, यहाँ पे बच्चों का क्या स्टैंडर्ड है, कौन से स्कूल में दाखिला कराना चाहिए। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी मुख्तलिफ है बाकी जगह से। ऑस्ट्रेलिया जैसा ही है, लेकिन पाकिस्तान से या इंडिया या दूसरे डेवलपिंग कंट्री से काफ़ी डिफरेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे आप डिफरेंट सबर्ब्स के अंदर रहते हैं, और आपके जो स्कूल्स हैं वो सबर्ब्स के हिसाब से होते हैं, उनका एरिया डिफाइंड होता है। तो अगर आप जो है वो उस एरिया में रह रहे हैं, उसकी रेंज में आ रहे हैं, उसका मैप होता है, तो आपको उस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। वरना अगर आप दूर हैं तो अगर उस स्कूल में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो फिर बैलेटिंग के अंदर जाता है। बट मोस्टली जो है वो लोग प्रेफर करते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस पे घर स्कूल हो, ताकि बच्चे आसानी से जा सकें। ज़्यादातर ऐसे ही है, डिज़ाइन होता है तो 3-4-5 मिनट की ड्राइव पे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डिसाइल सिस्टम है स्कूल्स का, डिसाइल 1 से लेके 10 तक। तो 10 डिसाइल का मतलब ये है कि स्कूल की अच्छी जेंडरी यानी सोशो इकोनॉमी जो उस एरिया में रहते हैं लोग, उनकी हाई है, तो कदरे बेहतर इन्वायरमेंट होता है। अगर डिसाइल रेटिंग 5 है या बिलो 5 है, तो उसका मतलब ये है कि इतना अच्छी जेंडरी नहीं होगी। तो उसमें ज़्यादातर जो फंडिंग है, असल में डिसाइल का जो चक्कर है सारा फंडिंग से होता है। तो अगर डिसाइल रेटिंग कम है तो स्कूल को फंड ज़्यादा मिलता है गवर्नमेंट से, और अगर डिसाइल रेटिंग ज़्यादा है, 8 या 9 है, तो गवर्नमेंट से फंडिंग कम मिलती है, और फैमिलीज हैं वो डोनेशन उनसे फिर वो लेते हैं। बट अगेन वो डोनेशन है, आप देना चाहें दें, नहीं देना चाहें आप नहीं दें। स्टैंडर्ड के हिसाब से तकरीबन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है एजुकेशन में, फैसिलिटीज़ में, लेकिन लोग मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि डिसाइल 8 एंड अबव, ताकि पढ़ाई का माहौल हो, इन्वायरमेंट भी अच्छा हो। आज यहाँ पे चूंकि क्रिसमस का नेक्स्ट डे है तो कुछ ज़्यादा रश नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिसमस की छुट्टियों में कैंपिंग के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए निकल जाते हैं। कैंप ग्राउंड हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, तो इस वजह से काफ़ी कम लोग नज़र आ रहे हैं। वरना यहाँ पे शाम में डिफरेंट स्पोर्ट्स हो रहे होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के यूथ भी, किड्स भी, फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह काफ़ी गेम्स यहाँ पे हो रहे होते हैं। जो स्टेट स्कूल है यहाँ पे, ज़्यादा स्टेट स्कूल ही होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, और उनमें पढ़ाई फ्री होती है। जो स्कूल होते हैं 1 से लेकर 13 तक, 8-13 तक होते हैं, और जो बच्चों को एडमिशन दिया जाता है वो ईयर यानी कि 5 साल का जो बच्चा है उसको ईयर 1 के अंदर लेते हैं यहाँ पे, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है। और इवन क्लासेस के अंदर भी डिफरेंट लेवल होते हैं, यानी कि जैसा आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से वो ग्रुप्स उन्हें बनाए होते हैं। एक ईयर में समटाइम 2-3 ग्रुप्स होते हैं, उनके प्रोग्रेस के हिसाब से उस तरह लेके चलता है। तो मोस्टली ट्यूशन फीस सारी स्टेट स्कूल में फ्री होती है, और समटाइम जो है वो आपको
स्टेशनरी के लिए जो है वो कुछ एक्सपेंस करना होता है, बट वो ज़्यादा नहीं होता, $30-$40 होते हैं। और कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए वो चार्ज करते हैं आपसे। मोस्टली सारी स्टेट स्कूल है, स्टेट एजुकेशन फ्री है 2 या 3 तक। प्राइमरी जो है वो 1 से लेकर 6 तक होता है, यहाँ ईयर कहते हैं, ग्रेड नहीं कहते, ईयर 1 टू ईयर 6। और इंटरमीडिएट 7-8, और हाई स्कूल या कॉलेज वो 9th, 10th, 11th, 12th एंड 13th। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, और ऐसा ऐसा और भी मैं इसी तरह के एपिसोड बनाऊंगा इसके अंदर, फर्दर जो सेटलमेंट की चैलेंजेस हैं और चीज़ें हैं क्या क्या आपको उसमें देखनी है, जैसे कि रेंटिंग है, बैंक अकाउंट है, और ट्रांसपोर्टेशन है, या न्यूजीलैंड आकर आप मूव हो रहे हैं तो आपको कितने पैसे चाहिए, एक्सपेंसेस सारे, लिविंग कॉस्ट सिटीज़ के हिसाब से, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट लिविंग कॉस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करिएगा, और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। See it in your eyes. Let me be your light. We can reignite like fireflies.